डेट आपको पता चल गई, उससे चार चार दिन पहले आपके एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समय से पहुंचेंगे, वो सबसे अहम है कि आप पेपर में, जैसे आज आपका पेपर है तो एक दिन पहले पहुंचे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा भी है, तो इन सबके चक्कर में आप लेट ना हो जाएं। जैसे कि आप सुबह की ट्रेन पकड़े या बस से जाएं, हो सकता है कोहरे के कारण लेट हो जाएं, तो आप सबसे पहले तो समय से पहुंच जाए एक दिन पहले, और कम से कम 3 से 4 घंटे पहले, जब भी आपकी शिफ्ट शुरू हो उससे 3 से 4 घंटे पहले आप लोग हर हाल में पहुंच जाएं, जिससे कि आपका पेपर ना छूटे। और आपको यदि आप लेट पहुंचते हैं वहां पर बहसबाजी करते हैं तो व्यक्ति होपलेस हो जाता है, वो भी आपको ना होना पड़े। उसके बाद में आपके पास आपके एडमिट कार्ड में बहुत अच्छे से एड्रेस, उसकी तिथि, जैसे यहां पर किसी बच्चे का है तो उनका पूरा जो जन्म तिथि वगैरह यहां पर पूरी दी गई होती है, कब आपका गेट बंद होने का समय क्या है, आपका उपस्थित होने का समय क्या है, ये सब इसमें आपको बहुत अच्छे से बता रखी होती है, कब आपका पेपर शुरू होगा, कहां पर, कैसे कैसे, ये सारी की सारी चीजें। तो आप तय समय पर अपने स्थान पर जहां भी पेपर है पहुंचे। उसके बाद में आपको लेकर क्या क्या जाना है, इन चीजों पर बहुत गौर करें, अन्यथा आप लोग परेशान हो जाएंगे वहां पर अगर आपको रोक दिया इन चीजों के कारण। एक तो आप अपने प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी आपको फोटोकॉपी, प्रवेश पत्र, उसके बाद में पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम 2 रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज की, 2 रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज की, ये जरूर आप लोग लेकर जाएं, नहीं तो आपको इश्यू आ जाएगा। उसके बाद में कम से कम 1 फोटो युक्त वैध पहचान पत्र, मतलब फोटो वाला पहचान पत्र, फोटो वाले पहचान पत्र में पासपोर्ट आ जाता है, आपका आधार कार्ड आ जाता है, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकारी कंपनी के कर्मचारी है उनका सेवा प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया भूतपूर्व सैनिक जो एक पुस्तक होती है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बता रखी है। तो आधार पैन तो सबके पास होते हैं, आधार कार्ड आप लोग जरूर लेकर जाए मूल रूप में, ओरिजिनल। यदि याद रखिएगा, यदि जन्मतिथि नहीं है, जैसा कोई मान लो मूल दस्तावेज लेकर जा रहे हो जिसपे जन्मतिथि नहीं है, तो जन्मतिथि वाला भी 100% आपके पास से एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आप ऐसा पहचान पत्र लेकर जाएं कि जिसके पास आपकी मूल, उस पर जन्मतिथि भी लिखी हो। उसके बाद में फेस मास्क, पक्का मास्क लगा के जाए, वहां पर मास्क ढूंढने लगे, मास्क कहां है, परेशान होते हैं इन चीजों से। उसके अतिरिक्त पानी की बोतल 1 घंटे प्यासे, ऐसा नहीं कि प्यास से आपका गला सूख जाएगा, 1 घंटे का पेपर है, जाओगे निकल के आओगे। याद रखिएगा, इसमें यह कहा गया कि प्रवेश पत्र के साथ एक COVID-19 का घोषणा पत्र आया होगा, उसका प्रिंट आउट भी आप लोग जरूर लेकर जाएं। ये जो चीजें इसमें बता रखी हैं, प्लीज इनको जरूर लेकर जाएं। सामान वगैरह के लिए वहां पर जमा करने के लिए भटके ना, सामान को पहले ही सुरक्षित कर दें। कहीं पर होटल ले रहे हो, रिश्तेदार के यहां पर रुक रहे हो, तो वहीं पर सामान को सुरक्षित कर दें। मोबाइल फोन इत्यादि या घर का कोई साथ जा रहा है उसे दे दें। वहां पर बस अपना पहचान पत्र, फोटो युक्त मूल कॉपी उसकी ओरिजिनल, प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है, 2 रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज, ये जो इसका प्रवेश पत्र है, इसके साथ आपका एक COVID-19 का घोषणा पत्र आया होगा, उसको भर के जाए प्रिंट आउट लेके। हैंड सैनिटाइजर छोटा बोतल, पारदर्शी पानी की बोतल लेकर जाना चाहिए, अलाउ है। हालांकि ऐसा पानी वानी लेकर जाओगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, गर्मियों का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम है। तो ये सारी चीजें अपने पास सुरक्षित रख ले, 2 बार चेक कर ले, किसी और से कह दे कि मुझसे ये चीज पूछ ले जब मैं पेपर देने जाऊं, जिससे कि आप भूलें ना। बढ़िया से अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है,